हेलो गाइस, मैं अनुराग झा, नॉलेज प्रोवाइडर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम लोग फिर से हिंदी के ग्रामर में, ठीक है, वचन चैप्टर जो है आपका लेकर आ गए हैं। इससे जितने भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, और ये चीज़ जो है आपका 50 नंबर और 100 मार्क्स दोनों के लिए है, ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स में कुछ कम क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स में कुछ ज़्यादा, लेकिन दोनों से ही, दोनों के लिए ही ये जो है वैलिड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पतंग शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पतंगे, ठीक है, पतंगे होगा। पतंगों कभी मत मारिएगा, ये गलत होता है, पतंगे सही है, ठीक है। पतंगा तो पता ही है, ये तो कीड़ा हो जाता है, तो ये तो गलत ही है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तीन तीन वचन किस में होते हैं? तो संस्कृत भाषा में होते हैं। संस्कृत का यहाँ पूछ नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आप, लोग जो है एक वचन नहीं है, ठीक है। लोग से क्या हो जाता है, मतलब कई सारे लोगों का बोध हो जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो यहाँ पे समाचार जो है एक वचन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द एक वचन है? अब यहाँ पे देखिए, कौन सा शब्द एक वचन है? तो यहाँ पे आपका पुस्तक क्या है, एक वचन है। नेक्स्ट देखिए, हर एक शब्द का प्रयोग होता है, हर एक शब्द का प्रयोग कब होता है? बहुवचन शब्द के लिए जो है हर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द बहुवचन नहीं है? तो कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो जनता, ठीक है, जनता जो है बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो यहाँ पे होश जो है एक वचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट है भारतीय का बहुवचन होगा, तो भारतीय का बहुवचन क्या होगा? माफ कीजिएगा, यहाँ भारतो नहीं होगा, यहाँ पे भारतीय होगा, ठीक है, भारतीय, भारतीयों। तो यहाँ पे आपका सही आंसर गौ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये आंसर गलत है। नेक्स्ट देखिए, आंसू, आंसू का बहुवचन होगा, तो आंसू का बहुवचन क्या होता है? तो आंसू का बहुवचन जो है आपका आंसुओं होता है, ठीक है, आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेक्स्ट है आपका, हमेशा बहुवचन होता है, तो हमेशा बहुवचन क्या होता है? प्राण जो है हमेशा बहुवचन ही होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पे देखिए, माता पिता नदी, माता नदी किताब लड़के, तो बहुवचन पूछ रहा था, लड़के यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। शुद्ध वचन क्या है? तो शुद्ध वचन यहाँ पे देख लीजिए आपका, बालिका जो है शुद्ध वचन है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, किताबें जो है एक वचन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द जो पराया बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे आपका जो है ख, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और दोस्तों, आप लोग, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक किया करो, ठीक है, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यदि पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है, और एक लाइक कर ही दिया करो यार, मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए फिर से और भी वीडियो बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह पुस्तक शब्द का बहुवचन बताइए। तो पुस्तक शब्द का पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें जो है याद रखिएगा, ठीक है, पुस्तकों बिल्कुल गलत हो जाता है, ये गलत है, पुस्तकें सही है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।